दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा कि आने वाले 50 सालों में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? एक्सपर्ट्स की माने तो ये बात बिल्कुल सच है, पर अब सवाल ये है कि अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो गए तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? दोस्तों, आज के समय में पेट्रोल हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन। पेट्रोल की जरूरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पर साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से तो आप भी परेशान होंगे। ये भी सच है कि पेट्रोल आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाला संसाधन है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल डीजल बनाए कैसे जाते हैं और ये इतने महंगे क्यों होते हैं? और अगर पेट्रोल दुनिया से खत्म हो जाए तो इस दुनिया का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने तो ये सुना ही होगा कि पेट्रोल जमीन के अंदर से निकाला जाता है, साथ ही साथ समुद्र के नीचे भी पेट्रोल पाया जाता है। पर आखिर ये पेट्रोल निकाला कैसे जाता है और वो लोग कौन हैं जो ये काम करते हैं और उनकी जिंदगी कैसी होती है? आपको बता दें कि समुद्र या जमीन से डायरेक्ट पेट्रोल डीजल नहीं मिलता। सबसे पहले हमें क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पर वेपराइज किया जाता है, तब हमें पेट्रोल डीजल प्राप्त होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल से बनता है। दोस्तों, अगर समुद्र से पेट्रोल निकालने की बात करें तो ये काम बहुत ही खतरनाक है। समुद्र की गहराई से तो हर कोई परिचित है, इसके साथ ही समुद्र से तेल निकालते समय बहुत भारी खर्चे का सामना करना पड़ता है। पैसों के साथ ही इस प्रक्रिया में बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। दोस्तों, अब तक दुनिया भर में समुद्र से तेल निकालते समय बहुत से हादसे हो चुके हैं। इन हादसों के बारे में हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। आपको बता दें कि पहले के समय में तेल निकालना बहुत आसान काम हुआ करता था। लोग पानी की खोज में जमीन खोदते थे और उन्हें बड़े बड़े तेल के कुएं मिल जाते थे, जबकि आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज के समय में पेट्रोल डीजल की सप्लाई कम है और इसकी डिमांड ज्यादा है। पहले सिर्फ जमीन पर खुदाई की जाती थी, पर पेट्रोल की बढ़ती डिमांड के कारण लोग समुद्र से तेल निकालने पर मजबूर हो गए। और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम पेट्रोल डीजल के लिए तरस जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि समुद्र से तेल निकालने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। समुद्र से तेल को निकालने के लिए सबसे पहले समुद्र में दो सेटअप बनाए जाते हैं, जिसमें ड्रिलिंग मशीन और पंपिंग मशीन को समुद्र में सेट किया जाता है। आपको बता दें कि इसे ही ऑयल रिग कहा जाता है और यहीं से क्रूड ऑयल को समुद्र से बाहर निकाला जाता है। और इसके पास ही एक ऐसी शिप होती है जहां पर सारे काम करने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, जब सामान्य लोग ऑयल रिग को देखते हैं तो वो अक्सर चौंक जाते हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें समझ नहीं आता है कि इतने विशाल ऑयल रिग और मशीन्स को समुद्र के बीचों बीच लाया कैसे जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये काम बड़ी बड़ी शिप की मदद से किया जाता है। समुद्र से तेल निकालते समय सबसे कठिन काम होता है तेल के कुएं को खोजना। इसके लिए सिस्मिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्मिक वेव्स के जरिए डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। सिस्मिक वेव्स पानी के अंदर जाती है और तेल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। इन रिफ्लेक्टेड सिस्मिक वेव्स के जरिए ये पता चलता है कि पानी के नीचे तेल कहाँ पर है। जैसे ही तेल मिल जाता है, ड्रिलिंग मशीन के जरिए उस जगह पर बड़ा कुआं बनाया जाता है। उसके बाद पाइप्स की मदद से इस तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस तेल को रिफाइनरी में क्यों ले जाया जाता है। आपको बता दे दोस्तों, समुद्र से जो तेल मिला वो क्रूड ऑयल है। अब क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके केरोसिन, डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाता है और ये काम रिफाइनरी में किया जाता है। दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी तो ये आया होगा कि आखिर तेल जमीन और समुद्र के नीचे ही क्यों पाया जाता है। इसका कारण ये है कि सैकड़ों हजार साल पहले पृथ्वी पर भूकंप आया था, जिसके कारण बहुत से जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए थे और जो बच गए थे वो पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण जल गए, जिसके कारण इनमें से निकलने वाली गैस और तेल चट्टानों के बीच में इकट्ठा हो गए। इन्हें हम फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल है। तो दोस्तों, जो तेल हम आज यूज करते हैं वो सैकड़ों साल पहले नष्ट हुए पेड़ पौधों और इंसानों के अंदर हुए केमिकल रिएक्शंस का परिणाम है।
दोस्तों, किसी भी देश में कितना तेल है ये देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालता है। एक बड़ी खबर आपको बता दे, भारत अपनी तेल की जरूरतों का 80% हिस्सा इंपोर्ट करता है। काले सोने के नाम से जाने वाला पेट्रोल वास्तव में जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। कोयले के बाद भारत की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम। दोस्तों, भारत का 71% पेट्रोल प्रोडक्शन मुंबई में स्थित ONGC प्लांट के जरिए किया जाता है। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो पेट्रोल निकालने और रिफाइन करने का सारा प्रोसेस करते हैं। वर्कर्स की बात करें तो ये बीच समुद्र में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें ऑफशोर वर्कर्स कहते हैं। साथ ही जो लोग रिफाइनरी में काम करते हैं उन्हें ऑनशोर वर्कर्स कहा जाता है। दोस्तों, जो लोग समुद्र में रहकर तेल निकालने की प्रक्रिया संभालते हैं उनको बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनका काम बेहद खतरनाक होता है। रिक्स में काम करने वाले वर्कर्स को 15 से 21 दिनों तक समुद्र में ही रखा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर पूरा भारत और साथ ही बाकी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अरब सागर में स्थित मुंबई के ONGC प्लांट ने कुछ समय पहले ताऊते तूफान का सामना किया है। जी हाँ दोस्तों, ये तूफान ना जाने कितने वर्कर्स की जान अपने साथ ले गया था। ये तूफान बहुत ही खतरनाक और बड़ा था। इसी तरह ऑयल प्रोडक्शन पर काम करने वाले वर्कर्स को जान हथेली पर रखकर काम करना पड़ता है। ये सब सुनकर आपके पसीने छूट रहे होंगे, पर दोस्तों यही सच है। दोस्तों, जरा सोचिए कि आपकी गाड़ी, बाइक या कोई भी और यातायात का साधन आपके पास ना हो तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है और इनको चलाने के लिए ज़रूरत होती है पेट्रोल और डीजल की। पर पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्स बनाया जाए जो कि पेट्रोल और डीजल की जगह ले सके, पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं बन सका है। पर हमें कोशिश करते रहनी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल किया जाए, वरना आने वाली पीढ़ी को बहुत परेशानी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले के समय में पेट्रोल मेडिसिन की तरह यूज किया जाता था। इसे घाव पर लगाया जाता था। इसी के साथ वाटरप्रूफिंग और रोड बिल्डिंग के लिए भी पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता था। और आज के समय में भी पेट्रोल ना केवल ईंधन की तरह यूज होता है बल्कि इसे सिंथेटिक मटेरियल्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर बात करें कि पेट्रोल कितना पुराना है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पेट्रोल डायनासोर से भी ज्यादा पुराना है। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहे हमारा चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।